स्टूडेंट्स, वेलकम टू KSL कैंपस। टुडे आई एम स्टार्टिंग नेक्स्ट लेक्चर ऑफ HTML 5, इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी एडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स इन HTML 5 एंड फॉर एडिंग मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स इन अ वेब पेज वी नीड टू यूज डिफरेंट टैग्स इन अ HTML। सो if you want to add a video in the web pages, we have to use video tag। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें अपने वेब पेज में ऑडियो ऐड करना है तो हमें कैसे ऑडियो टैग का यूज करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि हमें वीडियो ऐड करना है अपने वेब पेज में तो हम HTML के थ्रू वीडियो को कैसे डिस्प्ले कराएंगे अपने वेब पेज में। लेट्स सी वीडियो टैग क्या होता है एंड इसके थ्रू हम अपने वेब पेज में कैसे वीडियो को ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज में। द वीडियो टैग इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले अ वीडियो फाइल ऑन अ वेब पेज। किस लिए यूज़ करते हैं वीडियो टैग? डिस्प्ले द वीडियो फाइल ऑन अ वेब पेज, गॉट इट? The content inside the open video and closing video tag is displayed when the browser does not support the video format। Means what? कि जब अगर आपने video file add किया है video and then आपने वीडियो फाइल को डिलीट कर दिया या वीडियो आपके वेब पेज में सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे? जो भी कंटेंट वीडियो टैग ओपन होने के बाद आप यहाँ पे राइट कर रहे हो एंड देन आफ्टर क्लोजिंग द बिफोर क्लोजिंग जो भी कंटेंट आप राइट कर रहे हो वो हमें डिस्प्ले कराएगा। कब? जब हमारा वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा है, वीडियो फाइल जो आपने ब्राउज़र में डाले हो अपने HTML पेज में वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या डिस्प्ले कराएगा? जो भी हम कंटेंट इनसाइड राइट किए रहेंगे, कहाँ? आफ्टर ओपनिंग द वीडियो टैग एंड बिफोर क्लोजिंग द वीडियो टैग, गॉट इट? इट्स प्रोवाइड वेरियस एट्रीब्यूट टू हेल्प यू प्ले अ वीडियो। आई मीन टू से वीडियो टैग डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है, किस लिए? वीडियो को डिस्प्ले कराने के लिए ऑन द वेब पेज। देखते हैं HTML 5 किस तरह के एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है वीडियो टैग के लिए, हमें वीडियो को डिस्प्ले कराने के लिए वेब पेजेस पे। एट्रीब्यूट्स आया ऑटो प्ले, इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? ऑटो प्ले। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट डिस्क्रिप्शंस में देख लेते हैं, स्पेसिफाई दैट द वीडियो स्टार्ट प्लेइंग एज सून एज इट इज रेडी टू प्ले। मीन्स जब हम यूज करेंगे ऑटो प्ले ऑप्शंस तो हमारा वीडियो फाइल है, जैसे ही हम अपने वेब पेजेस को ओपन करेंगे हमारा वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, गॉट इट? बट हम चाहते हैं कि हमारा जो वीडियो हो वो हमारे कंट्रोल्स में हो, हम जब चाहें तब वो प्ले हो, पॉज हो एंड स्टॉप हो, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? कंट्रोल्स एट्रीब्यूट। देखते हैं कैसे, लाइक कंट्रोल्स एट्रीब्यूट के लिए हम कंट्रोल्स एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, उसकी वैल्यू भी पुट करेंगे कंट्रोल्स एंड क्यों? बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफाइड एट द कंट्रोल्स सच एज प्ले, पॉज एंड स्टॉप शुड बी डिस्प्ले। मीन्स जैसे हम कंट्रोल्स एट्रीब्यूट में कंट्रोल्स वैल्यू का यूज करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन शुड बी देयर प्ले, पॉज एंड स्टॉप। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग टू नीड हम अपने वीडियो को प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है SRC के विदिन हम क्या डालते हैं? URL। मीन्स वीडियो का नेम या उसका लोकेशंस के साथ उस वीडियो का नेम डालते हैं। स्पेसिफाई द URL और लोकेशन ऑफ द वीडियो फाइल।
ठीक है, जैसे इमेजेस का डालते हैं, जिस तरह ऑडियो फाइल का नेम या उसके लोकेशंस के साथ नेम डालते हैं, अगर हमारा वीडियो किसी दूसरे फोल्डर्स या किसी दूसरे फाइल्स में है तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एट्रीब्यूट, हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ क्या करता है, इसकी हम वैल्यू पिक्सल्स में डालते हैं, जैसे कि 200 पिक्सल्स, 300 पिक्सल्स, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी पिक्सल्स में वो ले लेता है। तो हाइट एंड विड्थ किसका सेट करते हैं, स्पेसिफाई द हाइट एंड विड्थ ऑफ द वीडियो प्लेयर इन द पिक्सल्स। आई मीन टू से जो आपकी कंप्यूटर्स या लैपटॉप मीन्स जो भी आप प्लेयर यूज कर रहे हो उसी प्लेयर के साथ आपका वीडियो प्ले होगा, कहाँ पे, आपके वेब ब्राउज़र पे, या जो आप प्ले करा रहे हो जिस वेब ब्राउज़र के थ्रू, वो जिस वीडियो प्लेयर को सपोर्ट कर रहा है उसकी साइज़ मीन्स आपका जो वीडियो है उस प्लेयर में कितनी हाइट एंड विड्थ के साथ डिस्प्ले होनी चाहिए, ये कैस कौन स्पेसिफाई करता है, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स से आप डिस्प्ले करा सकते हो। बिकॉज ऑफ दैट कि आप अपने वीडियो के को वेब ब्राउज़र में किसी पर्टिकुलर लोकेशन या तो लेफ्ट राइट या सेंटर में किसी पर्टिकुलर हाइट एंड विड्थ में ही प्ले करोगे, क्योंकि उसमें आपके वेब पेजेस में बहुत सारे कंटेंट ही राइट किए गए रहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट्स, गॉट इट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इसका आता है लूप। लूप से हम क्या कर सकते हैं, लूप की वैल्यू भी पुट करेंगे हम, लूप स्पेसिफाई दैट द वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग अगेन एवरी टाइम इट्स फिनिश प्लेइंग। आई मीन टू से जैसे ही हम इसकी लूप एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, जैसे ही हमारा वीडियो फिनिश होगा अगेन प्लेइंग स्टार्ट हो जाएगा एवरी टाइम्स आफ्टर यूजिंग द लूप एट्रीब्यूट, गॉट इट। नेक्स्ट हमारा आता है म्यूट। It is also interesting. Specify that the audio of the video file should be muted. I mean to say, ये क्या होता है, जब हम mute attribute का use करते हैं तो उसमें value भी हम put करते हैं mute attributes का, mute ही, और कैसे, वही double quote के within इसकी value equal to, like that करके put करते हैं हम। Then specify the audio of the video file should be muted. मीन टू से आपका वीडियो चल रहा है बट उसकी जो साउंड है उसकी ऑडियो है वो म्यूट हो जाएगी, जैसे कि आप नॉर्मली आप अपने यहाँ यूट्यूब में भी यूज़ कर सकते हो, कहीं भी ऑडियो वीडियो चल रहा है उसकी साउंड को आप आसानी से म्यूट करते हो, तो किसके थ्रू, इसी म्यूट एट्रीब्यूट के थ्रू जब आप यूज़ कर लेते हो, तो हम HTML के थ्रू जब अपने वेब पेजेस में वीडियो ऐड करेंगे तो उसमें भी म्यूट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। एंड देन जब ये आप यूज़ करते हो तो आपके पास ऑप्शन शुड बी देयर, वहाँ पर डिस्प्ले होने लगता है कि इफ़ यू क्लिक ऑन द म्यूट एट्रीब्यूट then your video will be muted. Then इसके next attributes and इसका example हम देख लेते हैं, देखते हैं example इसका कैसे use करेंगे हम। body tag start होगा, then video tag, then इसमें controls use करेंगे, जैसे ही controls use करेंगे हमारे पास क्या होगा, option display होने लगेगा play, pause and stop का, देन ऑटो प्ले भी ऑप्शंस अगर हम चाहें तो इसमें डिस्प्ले करा सकते हैं कि जैसे ही हमारा वेब पेज ओपन हो जो भी हमने वीडियो डाला है वो प्लेइंग मींस वो प्ले होना शुरू हो जाए, ठीक है। देन इसकी हाइट विड्थ सेट कर दिए 300, हाइट सेट कर दिए 200, अकॉर्डिंग टू नीड आप जितना चाहो उतना सेट करते हो कर सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट कि आप 300 ही सेट करो 200 ही सेट करो, जस्ट मैंने ये एक एग्जांपल्स दिखाया है, आप अकॉर्डिंग टू नीड जैसा ज़रूरत हो वैसा आप सेव कर सकते हो। देन SRC के विदिन क्या कर सकते हैं, URL डालेंगे तो हमारा वीडियो को हमने क्या डाला, video1.mp4 मीन्स जो भी फॉर्मेट हो उसमें आप उसका उसके नेम के साथ MP4 लगा सकते हो, मीन्स जिस फॉर्मेट का वीडियो हो वो डालोगे वीडियो का नेम, देन डॉट, देन जो भी वीडियो का फॉर्मेट सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद से हमारा क्या नेक्स्ट, ये हमारा एंगुलर ब्रैकेट क्लोज वीडियो का,
देन उसके बाद से हमने कंटेंट राइट किया, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट दिस वीडियो फॉर्मेट। ये कब डिस्प्ले करेगा? जब ये वीडियो का जो फॉर्मेट है, ये हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, या किसी रीज़न के वजह से, किसी एरर के वजह से आपका वीडियो नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हमें क्या सपोर्ट करेगा? योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट दिस वीडियो फॉर्मेट, देन वीडियो टैग क्लोज एंड देन बॉडी टैग क्लोज। आई मीन आफ्टर ओपनिंग द वीडियो टैग एंड बिफोर क्लोजिंग द वीडियो टैग, जो भी हम कॉन्टेंट राइट कर रहे हैं यहाँ पे, वो कब डिस्प्ले होगा? जब हमारा वीडियो फॉर्मेट ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या डिस्प्ले होगा? ये वाला कंटेंट। इसकी मैं प्रैक्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा एंड पूरे डिटेल्स में सारे एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके मैं वीडियो में कवर करती हूँ इसके प्रैक्टिकल सेशन को। तो जो भी मैं सेशन लेती हूँ उसका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आप दोनों देखा कीजिए, तो जाके अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल्स या सिर्फ थ्योरी थ्योरी देखने से उतना 100% नहीं समझ में आएगा। अगर आप चाहते हो 100% समझना HTML में किसी भी टैग्स के विदिन, तो आप उसके मेरे ऑडियो एंड वीडियो दोनों चैप्टर्स को देखा कीजिए, दोनों लेक्चर को देखा कीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको थ्योरी भी अच्छे समझ में आएगा एंड देन उसकी प्रैक्टिकल देखोगे तो प्रैक्टिकल करने में भी समझ में आएगा कि हाँ इसे हम कैसे करते हैं, एंड देन उसके बाद भी आपके डाउट्स रह जाते हैं तो देन गिव मी द कमेंट्स कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि वही हमारी मेहनत की कमाई होती है। एंड अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे एंड आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें। इतना देर हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।